नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बी प्रोफाइल। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और साथ ही साथ ये टीचरों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगी। दोस्तों, मैं आपको एक बात यहाँ पर स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूँ कि मैं भी अपने आप को टीचर नहीं मानता हूँ, मैं भी अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ। क्योंकि जब आप लोग स्टूडेंट होते हैं तो आप लोग हमेशा सीखते रहते हैं, लेकिन जब आप टीचर बन जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आप लोगों को सब कुछ आता है। तो ये मेरा परसेप्शन है, ये मेरे तरीके से हो सकता है, आप लोगों का नज़रिया कुछ अलग तरीके से हो सकता है। तो लेकिन मैं अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ और हमेशा सीखते रहता हूँ। तो दोस्तों, जो मैं आज किताबें लेके आया हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो हम लोग चीज़ों को रटते हैं, लेकिन ये किताबें आपको सिखाएंगी कि आपने चीज़ों को रटना नहीं है, आप लोगों ने उनको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है और एग्जाम में किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को देना है और अपनी परफॉर्मेंस अपने डेली लाइफ में किस तरह से देनी है। ये किताबें आपको पर्सनैलिटी डेवलप भी करेंगी और साथ ही साथ आपको एक अच्छा स्टूडेंट भी बनाएगी। तो दोस्तों, जो मेरी पहली किताब है वो है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, और ये परीक्षा में अधिक नंबर लाने के अचूक मंत्र। ये किताब जो लिखी गई है डॉक्टर बी अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है, जो कि IAS ऑफिसर, रिटायर्ड IAS ऑफिसर रहे हैं, और ये बेस्ट सेलर बुक रही है। दोस्तों, काफ़ी अच्छी बुक है ये। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ ऐसे ऐसे टिप्स मिलेंगे। आई थिंक ये किताब पढ़ना सभी के लिए ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जैसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि हमें रात को पढ़ना अच्छा लगता है या फिर हम लोगों को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन ये किताब आपको बताएगी कि अगर आप लोग रात को पढ़ते हो तो उसका क्या कारण है, अगर आप लोग मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो उसका क्या कारण है। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार भोर का समय शांत होता है, ठीक उसी प्रकार, भोर मतलब मॉर्निंग का, ठीक उसी प्रकार रात के 10 से 11 बजे के बाद का समय भी शांत होता है। तो क्यों नहीं रात के 10 या 11 बजे से लेकर 2 या 3 बजे तक पढ़ा जाए। यहाँ तक कि बाहरी वातावरण का सवाल है, वहाँ तक तो आपकी बात काफ़ी कुछ सही है, लेकिन हमें इस बात को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सुबह से कार्यरत हमारे शरीर उलझे हुए हमारे मस्तिष्क में अब इतनी ताजगी नहीं रह जाती है कि हम अधिक सतर्कता के साथ काम करें। इसमें बोलने का मतलब यह है कि जब आप लोग रात को पढ़ते हो तो हमारा शरीर जो थक जाता है, हमारा मन भी थक जाता है, और इस तरह से हम लोग जो सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन जब हम लोग मॉर्निंग में पढ़ते हैं तो हमारा जो शरीर होता है बिल्कुल फ्रेश होता है और हम लोगों को चीज़ें जो वो अच्छे तरीके से याद रहती हैं। तो दोस्तों, ये किताब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स बताए गए, मतलब जो हमारे मन में प्रश्न चले होते हैं इस बुक को पढ़ने के बाद आपके जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि मेरा आइडिया है। और बीच से ना पढ़ें, देखो यहाँ पे बताया भी है इन्होंने क्यों ना पढ़ें, फिर इसके बारे में बताया गया होगा। तो एक बार इस बुक को पढ़ लेना, काफ़ी अच्छी बुक है ये, और डॉक्टर बीजे अग्रवाल जो है वो काफ़ी अच्छी बुक्स वगैरह लिखते हैं। मैं थोड़ा सा कंटेंट बता देता हूँ, इसके कंटेंट क्या क्या है। अध्ययन क्या है, जैसे हम लोग स्टडी करते हैं उसका क्या मतलब है, अध्ययन का मनोविज्ञान क्या है, हमारा मस्तिष्क स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाए, मस्तिष्क का व्यायाम, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, कक्षा में बैठने का मतलब, परीक्षा की तैयारी, परीक्षा के दिनों में बैठें। तो दोस्तों, ये इसमें चैप्टर दिए हुए थे, 9 के करीब चैप्टर हैं, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे अगर आप लोग इसे पढ़ोगे। तो मेरी ये फर्स्ट बुक थी, अब मैं चलता हूँ सेकंड बुक की तरफ। दोस्तों, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं जल्दी जल्दी से इन बुक्स के बारे में बताऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अच्छे अंकों से परीक्षा पास करने के 7 रहस्य, ये बुक आपको बताएगी कि आप लोगों ने पेपर में किस तरह से अच्छे नंबरों से पास होना है। और ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और इसमें जैसे लिखा भी है, अपना लक्ष्य जाने, समय को पहचाने, अच्छी आदतें अपनाएं, अपनी योग्यता का विकास करें, आवश्यकता के अनुसार लक्ष्य अपनाएं, अधिक प्रतियोगी बने, बेहतर प्रदर्शन करें। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये भी दोस्तों, एक बार पढ़ लेना आप ये बुक को। तो ये मेरी दूसरी बुक थी। अब मैं आपको तीसरी बुक के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, ये बुक तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, यहाँ से आपका रेडी स्टडी गो, तीसरी बुक जो मैं बता रहा हूँ रेडी स्टडी गो, और इसमें देखो आप लोग इसके कवर पेज से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें कितना अच्छा बताया गया होगा। और जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको वैसे वैसे चीज़ें समझ में आएंगी जो कभी आपने सोची भी नहीं होगी। तो ये भी इसमें माइंड मैप के बारे में बताया गया है, किस तरह से आपने चीज़ों को रिमेंबर करना है और किस तरह से माइंड मैप को यूज़ करना है। और यहाँ पे थोड़ा सूर्य नमस्कार के बारे में बताया गया है, एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। तो काफ़ी अच्छी बुक है ये भी दोस्तों, और आप देख सकते हैं इसमें, पर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, जब आप इन बुक्स को पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या है। तो स्मार्ट वे टू लर्न, आप देख सकते हैं इसे, मेरी नेक्स्ट वाली बुक होगी। इस बुक के बारे में आई थिंक आप जानते होंगे, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों ने इस बुक को नहीं पढ़ा है तो आप लोग इस बुक को जरूर पढ़ना, हमारे ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिखी गई है, श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, एग्जाम वॉरियर।
और इसका जो कवर है वो देख सकते हैं आप लोग, कितने अच्छे पेज हैं इसके, मुझे तो बहुत अच्छी लगी भी ये बुक्स। सब कुछ इसमें एक्सरसाइज के बारे में भी बताया गया है, किस तरह से स्टडी करनी है, पेपर के टाइम में आप लोगों ने किस तरह से पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं इस बुक को। तो एक बार आप भी इस बुक को पढ़ना दोस्तों। हाँ, जो बुक आपको अच्छी लगती है आप लोग उसे परचेज करके पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आप सारी बुक्स पढ़ें, जो भी आपको अच्छी लगती है एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट वाली बुक बताता हूँ दोस्तों, जो मेरी नेक्स्ट वाली बुक है उसमें 250 स्टडी सीक्रेट दोस्तों, इस बुक में 251 स्टडी सीक्रेट के बारे में बताया गया है। और इस बुक को जब आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए गए हैं, जब आप उनको अप्लाई करोगे तो आपकी स्टडी कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो ये मेरी पांचवी बुक थी, 251 स्टडी सीक्रेट, बीके नारायण और प्रीति नारायण के द्वारा ये लिखी गई है। एक्सेल इन द स्टडी एंड इंश्योर द सक्सेस इन द एग्जाम एंड करियर। तो अभी मैं नेक्स्ट वाली बुक्स बताऊंगा जो मेरी तरफ से आपको रिकमेंड की जाएंगी। दोस्तों जो मेरी नेक्स्ट वाली बुक है वो एक नहीं दो होंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। वैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बना दिया, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। फिर भी ये स्पेशल स्टूडेंट के लिए बनाया गया है और स्पेशल स्टूडेंट के लिए ये बुक दी गई है। तो स्टूडेंट्स और टाइम मैनेजमेंट, विद्यार्थी के दिन का 48 घंटों का बना देने वाली पुस्तक, ये 24 के बजाय 48 घंटे का आपका दिन बना देगी, ऐसा इसमें दावा किया गया है। और ये भी बुक जो है डॉक्टर बीजे अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है, बेस्ट सेलर बुक है ये भी। इसमें ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताई हैं कि आप लोग अपने टाइम को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, आप अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, टालने की जड़ में हमारा आलस्य काम करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आलस्य का कारण शरीर की कमजोरी और थकान इतनी नहीं होती है जितनी कि हमारे मस्तिष्क की थकान होती है। तो आप लोग अगर आपको लगता है कि इन बुक्स का रिव्यू किया जाए तो मैं इन बुक्स का रिव्यू भी करूँगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि दूसरी फील्ड जैसे बिजनेस की बुक्स होगी या फिर नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स होगी या फिर कम्युनिकेशन स्किल की बुक्स होगी, तो दोस्तों मैंने सारी बुक्स पढ़ी। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी भी फील्ड की बुक्स के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं या उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वाली मेरी बुक्स थी। अब मैं इसी के साथ आपको ये भी बुक रिकमेंड करूँगा क्योंकि ये भी विद्यार्थियों के लिए बताई गई बुक है, विद्यार्थियों के लिए टाइम मैनेजमेंट, अब सीखें पढ़ने का स्मार्ट तरीका। तो इसमें वो टाइम के बारे में बताया गया होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया इसमें भी, तो आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं। और ये प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा की गई है और इसके जो राइटर हैं ममता महोत्रा के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और दोस्तों जो लास्ट की मेरी बुक है अब मैं उसके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए गीता। देखिए ये जो आज का जो मेरा वीडियो बन रहा है ये विद्यार्थियों के लिए बन रहा है, इसलिए मैंने बुक भी वही उठाई है जो विद्यार्थियों के लिए होंगी। तो विद्यार्थियों के लिए गीता, वैसे तो मैं आपको अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आध्यात्मिक बुक्स के बारे में भी बना दूंगा या फिर ध्यान के बारे में बता दूंगा। तो पर ये जो बुक्स लिखी गई है विद्यार्थियों के लिए गीता, ये स्पेशल स्टूडेंट के लिए, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लोग इस किताब को पढ़ सकते हैं। और ये प्रभात पब्लिकेशन के द्वारा लिखी गई है और इसके जो राइटर हैं आचार्य मायाराम पतंग के द्वारा लिखी गई है। इसमें गीता के बारे में जो बताया गया है उसका क्रक्स दिया गया है कि आप लोग गीता को किस तरह से अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। गीता जो बहुत ज़्यादा पावरफुल ग्रंथ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, हे पार्थ, मेरी शरण में आए हुए हर प्राणी को परम गति मिलती है, चाहे वह किसी भी वर्ग का या किसी भी जाति का हो, पुरुष हो या स्त्री हो, यहाँ तक कि वह मनुष्य हो या जीव जंतु हो, पापी भी हो तथा मेरी शरण में आ गया हो तो वह निश्चित रूप से संसार सागर से पार होकर मोक्ष पा जाता है। तुम मेरे भक्त बनो, मेरी शरण में सब कुछ छोड़कर आ जाओ, शरणागत होते हुए मुझे प्राप्त कर लोगे। कोई भक्त जैसे कि अहंकार का मैंपन त्याग करता है वह मुझे परमात्मा को पा लेता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बताया गया है, गीता को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। और यहाँ पे जो श्लोक वगैरह दिए गए उनको हिंदी में रूपांतरित किया गया है और उसके बाद उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। दोस्तों एक बार मैं फिर से इन बुक्स का रिव्यू कर देता हूँ, इन बुक्स के बारे में बता देता हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स जो है वो रिकमेंड की हैं।
दोस्तों, जो पहली बुक मैंने बताई है 251 स्टडी सीक्रेट, बी के नारायण के द्वारा और प्रीति नारायण के द्वारा लिखी गई थी। और उसके बाद मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया, विद्यार्थियों के लिए टाइम मैनेजमेंट, और ये बुक लिखी गई थी ममता मल्होत्रा के द्वारा। और उसके बाद विद्यार्थियों के लिए जो टाइम मैनेजमेंट की मैंने थर्ड बुक बताई, स्टूडेंट और टाइम मैनेजमेंट, डॉक्टर बीजे अग्रवाल के द्वारा लिखी गई बुक ये। और एग्जाम वॉरियर, ये हमारे पीएम के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद मैंने अच्छे अंकों से परीक्षा पास करने के सात रहस्य, ये प्रेम पी भल्ला के द्वारा लिखी गई है। और इसके बाद मैंने पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, डॉक्टर बीजे अग्रवाल के द्वारा लिखी गई बुक है ये। और इसके बाद रेडी स्टडी गो, ये भी बुक जो मैंने आपको बताई थी, काफ़ी अच्छी बुक थी, आप इसी भी पढ़ सकते हैं। और इसके बाद मैंने गीता के बारे में बताया कि विद्यार्थियों के लिए गीता। तो ये बुक्स थी, जो भी आपको पसंद आए आप लोग परचेज कर सक करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, इसके बाद अगर आपको किसी फील्ड की बुक्स के बारे में जानना हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। इनमें से आपको कौन सी बुक अच्छी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।